नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं चैप्टर 8 कन्यादान के, जिसके लेखक ऋतुराज हैं। इसका पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता और को उसका सबसे बड़ा गुण माना गया है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखवाना नहीं चाहती है, अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है, ऐसा उसकी माँ का मानना है। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कौन सी स्थिति को संकेत किया गया है, इसका उत्तर लिखेंगे। इन पंक्तियों में समाज के द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है, इस बात का संकेत इन पंक्तियों में दिया गया है। इसी का नेक्स्ट है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो उसकी बेटी के साथ भी हों, या जो उस महिला ने अन्याय सही है वो उसकी बेटी के साथ वही अन्याय किए जाएं। इसलिए उसने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 लिखेंगे, वह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा है और उसकी उम्र कम है। तीसरा है, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ और बेटी का संबंध मित्रता पूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही थी और उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण करती रही, जिस प्रकार से हम अपने धन का या संचित पूंजी का पालन पोषण करते हैं या देखभाल करते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार वो माँ अपनी बेटी को संभाल करके रखती रही। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए माँ को बेटी जो है, अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी लग रही है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, प्रश्न है। किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। क्या सीख दी है माँ ने। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी है। दूसरी सीख उसने जो दी है, माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर के आत्महत्या नहीं करने की भी सीख दी है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है। बहुत अच्छी सलाह दे रही है इसमें माँ अपनी बेटी को। एक सलाह दे रही है, नारी सरलता भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में ना बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। प्रश्न है, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात कहाँ तक उचित है। उत्तर लिखेंगे कि
कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनकी भावनाओं के साथ होता है, दान वस्तुओं का होता है। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना बहुत ही दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं कहा गया है इस कविता में। इस प्रकार से दान जो है, थोड़ा शब्द कन्या के लिए यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, ये बताया गया है।